अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे बीफ से बहुत ही मज़े की रेसिपी। इसके लिए आपने बोनलेस बीफ लेना है और उसे एक एक इंच के बराबर की बोटियां इक्वली कट कर लेनी है। इसके अंदर से बोटियों के अंदर से आपने चर्बी और हड्डी अलग कर लेनी है और बाउल में उन बोटियों को डाल लेना है। तकरीबन आधा किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले डाल लेते हैं इसमें 3 चम्मच के करीब दही। दही आप गाढ़ा लें या पतला लें, लेकिन अच्छे से फेंट लें और उसके बाद इसमें शामिल करें। अब हम डाल लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 छोटे चम्मच के करीब। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे लीमू का रस, तकरीबन 2 चम्मच के करीब लीमू का रस डालेंगे। यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा नमक डालेंगे हस्बे जायका, जितना आपके घर में खाया जाए उतना शामिल करें। यहाँ पर हम लाल मिर्चें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब। हल्दी डाल लेते हैं 1/2 चम्मच। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे पपाया पाउडर, जो कि हमारा बीफ गलने में हेल्प करता है, क्योंकि बीफ को बगैर कुकर के गलाना आसान नहीं होता। यहाँ पे मैंने ऐड किया है वाइट पेपर, यानी कि मेरे पास काली मिर्चों का पाउडर नहीं था, वाइट मिर्चों का था, मैंने वो ऐड किया। आपके पास काली मिर्चें हैं तो आप वो ऐड करें। अच्छे से मैं मिक्सअप कर लें और इसे छोड़ दें तकरीबन 2 घंटे के लिए अच्छे से, ताकि मसाला इसमें जज्ब हो जाए और पपाया पाउडर की वजह से बोटियाँ हमारी नरम हो जाएँ। 2 घंटे बाद आपने एक तवा लेना है और तकरीबन 3 चम्मच करीब उसमें ऑयल को गर्म कर लेना है। अब जो बोटियाँ हमने मैरिनेट करके रखी थी वो इस तवे पर रखेंगे। चम्मच की मदद से आपने पहले इसे आराम आराम से भूनना है, क्योंकि हम जब ये भूनेंगे तो इसमें से जो दही का पानी है उसकी वजह से काफ़ी सारी छींटे उड़ सकती हैं, तो आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। ये झटपट सी रेसिपी है, अगर आप मैरिनेट करके 2 घंटे रखेंगे तो ये बहुत ही फटाफट से बन जाएगी, बहुत यमी बनती है। आप इसे एज अ स्टार्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे रोटी के साथ दही रख के भी खा सकते हैं। ये देखिए मसाला इसमें किस तरह से चेंज हो चुका है, बोटियों ने साइज़ अपना छोटा कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से भूना है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे मज़ीद भून लेते हैं। आँच आपने कम रखनी है वरना बोटियाँ जलना शुरू हो जाएंगी, पकेंगी नहीं। यहाँ पर हमने इसे अच्छे से भूनना है ताकि इसमें जब खुशबू आने लगे और बोटियों का साइज़ छोटा होने लगे, पकने के बाद जो बीफ है सिकुड़ना शुरू हो जाता है, तो ये इसकी एक पहचान है कि ये पक रहा है या लगभग पक चुका है। तो अब इसमें हम शामिल कर देते हैं मीडियम साइज़ का टमाटर। गोल शेप में कट करें, क्योंकि ये तवे पे बना रहे हैं हम इसमें, और तरह से वैसे क्यूब शेप अगर आप कट कर सकती हैं छोटी छोटी तो फिर वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डाल लेते हैं 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके। इसे कवर कर देंगे, कवर करके इसको स्टीम देंगे तकरीबन 20 मिनट तक की। अब हम इसे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आप 20 मिनट इसको स्टीम दे लेते हैं। 20 मिनट बाद क्या होगा, बोटियाँ अच्छे से अंदर तक गल जाएंगी और टमाटर भी जो है नरम पड़ जाएंगे। और अब ये जो पानी छोड़ा है ये गोश्त और दही ने छोड़ा है, तो हमने इसी पानी के अंदर इसको पकाना है। मज़ीद पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले चम्मच की मदद से आपने टमाटरों को जिस तरह से मैं मसल रही हूँ वैसे मसलना है, और टमाटरों का जो छिलका होगा वो आप चम्मच या फोक की मदद से उसे अलहदा कर लेंगी। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और ये बहुत झटपट से बन जाती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस चीज़ पे और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद आने वाला छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें, ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ देखें और उन्हें मिस ना कर सकें। अब हमने गोश्त को तकरीबन 5 मिनट मज़ीद भूनना है, ताकि मसाला अच्छे से बोटियों के साथ जज्ब हो जाए और मसाले में पानी ना रहे, क्योंकि ये ग्रेवी वाली नहीं है, ये बिल्कुल ही तिक्का स्टाइल बोटी बना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे भून लिया है। भूनने के बाद गार्निशिंग कर लें अदरक और लीमू से और सर्व करें इसे और करें मज़े बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।